कि 17 दिन में अंडरवियर का रंग भी इनको पता चल गया महान ज्ञान कि 17 दिन में अंडरवियर का रंग भी इनको पता चल गया महान ज्ञान थोड़ा सा मजा आएगा। हाँ नहीं है वो मैंने सवाल कर लिया, बात दीजिए अपना अपनी पार्टी की ओर से बताइए अभी देखिए जवाब दीजिए ना तारीख अहमद लारी साहब ये रहा 1000 पावर की एमजी वाला ज्ञानवर्धक ब्राह्मणवादी में फर्क होता है मोती मिले होता है आज का ज्ञानवर्धक कहाँ बात किया गया आपके लिए ज्ञानवर्धक एके मिश्रा जी आप शांत हो जाइए शांत हो जाइए। जब चला गया था चलिए तारिक अहमद लारी साहब तारिक अहमद लारी साहब समझना होगा एके मिश्रा अभी आपको उल्टी दस्त फिर शुरू होगी। एके मिश्रा जी तो सारी पोल खोलने के लिए बैठ गए सारी पोल खोल देंगे एके मिश्रा जी आज कुछ ज्ञान था जब चला गया था। चलिए तारिक अहमद लारी साहब तारिक अहमद लारी साहब समझना होगा एके मिश्रा जब चला गया था। चलिए तारिक अहमद लारी साहब तारिक अहमद लारी साहब समझना होगा एके मिश्रा और उसकी में फर्क होता है आज का ज्ञानवर्धक के बारे में कहाँ बात किया गया आपके लिए ज्ञानवर्धक के बात की गई एके मिश्रा जी आप शांत हो जाइए शांत हो जाइए। जब चला गया था चलिए तारिक अहमद लारी साहब तारिक अहमद लारी साहब समझना होगा एके मिश्रा मैडम जब तक इसकी कोई जांच नहीं होगी विस्तृत जानकारी नहीं मिलेगी हम इस पे क्या कह सकते हैं। हो सकता है ये आम आदमी का भी पैसा हो सकता है। कई लोग हैं जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है उनका जो सरकारी ठेके ही लिए हुए हैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उनको अपने लेबर की पेमेंट करने जाना है। अच्छा। तो उनका अकाउंट पता चला लखनऊ शहर में और बाराबंकी में काम हो रहा है ये भी हो सकता है। अब कोई पॉलिटिकल लोग पकड़े जा रहे हैं तो वो तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि कहां से पैसा आ रहा है कैसे आ रहा है। जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं इस पे उंगली नहीं उठा सकता हूं क्योंकि उन्होंने तो कैश ऑलरेडी रिकवर किया ही है रिकवर किया है अब वो इससे ज्यादा क्या करेंगे। किसी को पेमेंट देना है कैश लेके जा रहे हैं साहब पूरे देश में पेमेंट ये है कि 2000 5000 10000 से ज्यादा कैश यूज नहीं कर सकते। ई पेमेंट तनख्वाह देनी है तनख्वाह खातों में जाती है कि कैश में जाती है साहब और तनख्वाह देने के लिए लखनऊ कोई उल्टी गंगा क्यों बह रहे होती है लेबर लेबर जो है लेबर में आएगा कि छोटे शहरों से लखनऊ थोड़ी ज्ञानवर्धक दवा आज लगता खा कर नहीं आए हैं। आपके घर में लेबर काम करती है उसको चेक से पेमेंट करते हैं क्या बात कर रहे हैं ज्ञानवर्धक दवा आज खा के नहीं आए लग रहा है आज आप। अभी आपको उल्टी दस्त फिर शुरू होगी कौन से लेबर को 5 लाख रुपए आज के दिन दिया जा रहा है सर छोड़ दीजिए आप कौन से लेबर को 5 लाख रुपए दी जा रही है तनख्वाह मुझे बताइए आज हम आप नहीं देते होंगे कैश में सारी कंपनियों ने जिनके यहाँ चौकीदार भी रखा है गेटकीपर लेबर को चेक के थ्रू उनके अकाउंट के थ्रू पैसा जाता है आपने कभी काम ही नहीं किया किसी कंपनी में पहन कर लेबर तारिक अहमद साहब जो काला धंधा करते हैं वही लोग कैश में देते हैं स्टैंडर्ड काम करते हैं वो लोग अकाउंट से पे करते हैं। तारिक अहमद साहब सवाल इसलिए उठ जाता है एके मिश्रा जी तो सारी पोल खोलने के लिए बैठ गए सारी पोल खोल देंगे एके मिश्रा जी आज कुछ ज्ञान धर्म क्या कर रहे हैं सारी पोल खोल देंगे एके मिश्रा जी आज कुछ ज्ञान धर्म क्या कर रहे हैं। ये तो उन्होंने लिया नहीं क्योंकि उनका सब देखिए संस्कार की बात ना करे तो अच्छा ही है इनको सर उससे बात करते हैं संस्कार की बात ना करें तो अच्छा ही है। संस्कार की बात हम क्यों ना करें चलिए हमको वजह बताइए क्यों ना बात करें बताइए। अच्छा वजह तो आपको पता ही है जो बयानबाजी सामने आती है उसको तो उन बयानबाजी को तो आप रोक नहीं पाते हैं जो बयानबाजी आती है उन बयानबाजी को तो आप रोक नहीं पाते हैं। महिलाओं के अंग वस्त्र को लेकर जो बयानबाजी आती है उनको तो आप रोक नहीं पाते हैं। संस्कार किसी में नहीं है किसी भी पार्टी के नेता में नहीं दिखाई देता है जब हम सुनते हैं तो कि 17 दिन में अंडरवियर का रंग भी इनको पता चल गया महान ज्ञान कि 17 दिन में अंडरवियर का रंग भी इनको पता चल गया महान ज्ञान सबसे ज्ञानी कैसे ज्ञानी है कैप्सूल तो लोग क्या कहते हैं आज भूल गए लोग आज भूल गए ज्ञान मतलब कैप्सूल जाना है दिव्य ज्ञान।
मिश्रा जी कोट पैंट पहन के लेबर की बात नहीं की जाती है, लेबर करके समाजवादी विचारधारा, मुझे मुझे विचारधारा वाले खाना तक नहीं बांट पाते। क्या ज्ञान है साहब? एके मिश्रा जी, मैं भी तो आपके नेताओं के पास पड़ा है, आप टीवी चैनल पर ज्ञान की भीख मांग रहे हो। इतना दिव्य ज्ञान जो स्त्रीलिंग बात की कि पुल्लिंग बात की, आप दोनों साथ बोलेंगे तो क्या समझ में आएगा? आप दोनों साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप दोनों साथ ना बोलेंगे। आप रंग पता करिए, ज्ञान ज्ञान चाहिए सर, रंग पता करिए, जाके ज्ञान लीजिए। आज लगता है जनता ने बता दिया, अब्दुल खा लिया है जो मुंह बंद नहीं हो पा रहा है। अरे साहब ज्ञान जाके ले लो ना, एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसा ज्ञान आपके नेताओं के पास पड़ा हुआ है, लग रहा है आप भी बता दीजिए। लारी साहब सिर्फ एक बात नहीं है, लेडी को बाहर घर और शराब बेचने वाली, शराब परोसने वाली, अरे सर मत चलो, आपसे आपका बहन की गाली देने वाला गिरिराज सिंह जैसे लोग जो मौजूद है, क्या समाजवादी में ऐसा कुछ कहा? मुद्दों से ना भटके, मुद्दों से ना भटके, कुछ मांग रहे हो, लेकर कह रहे हो, चलिए ठीक है, मुद्दों से ना भटके आगे बढ़ते हैं। अरे मांगे मोती मिले, मांगे मिले ने भी, उसका और उसकी में फर्क होता है, मोती मिले होता है, मिले ने भी किया होता है। आज का ज्ञान का क्या बात है? कहां बात किया गया आपके लिए? ज्ञान का क्या बात की? बिन मांगे मोती मिले एके मिश्रा जी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जब चला गया था, चलिए तारिक अहमद लारी साहब, तारिक अहमद लारी साहब समझना होगा। एके मिश्रा जी प्लीज सुन लीजिए, तस्वीरें भी सामने आती जा रही है, कितना माहौल खराब हो चुका है आसनसोल में, और ये तस्वीरें भी सामने लगातार आती जा रही है, बताना बहुत जरूरी है। देखिए आप लोगों को शांत करने के लिए मुझे बहुत चिल्लाना पड़ता है, और देखिए आप समझिए, आप एक साथ बोलेंगे तो जनता क्या कुछ समझेगी? कुछ नहीं समझ पाएगी, सिर्फ ये समझ पाएगी, सिर्फ ये समझ पाएगी तारिक अहमद साहब की और एके मिश्रा जी की, आप लोग मुद्दों से भटक ना जाएं और शायद भटक रहे हैं। लारी साहब, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि किसी भी पार्टी की ओर से अगर लोगों को, मतदाताओं को बरगलाने की कोशिश है तो ये चिंता का विषय है। मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ना कि शराब बांटी जानी चाहिए, ना कि पैसा बांटा जाना चाहिए। बिल्कुल 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 आप ठीक करिए, जूता भी नहीं बांटना चाहिए, चप्पल भी नहीं बांटना चाहिए। जो जो इंसिडेंट यहाँ हो रहा है अमेठी और रायबरेली में, ये सब भी देखना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भारती जी कुछ कहना चाहिए, क्योंकि आपने आपने तंज कस दिया है। एके मिश्रा जी आप करना चाहिए, किस बात का डर था? भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनेंगे भारती जी। कपड़ों के अंदर छिपे हुए रंग बताइए 17 दिन में। ठीक है, मिश्रा जी शांत, भारती जी कुछ कहना चाहते हैं? कुछ तार्किक बातें भी कर ले, थोड़ा सा मजा आएगा। भारती जी कुछ कहना चाहते हैं? लगातार चिल्लाए जा रहे हैं, कुछ तार्किक बातें भी कर ले, थोड़ा सा मजा आएगा। ये बताइए कि आजम खान के पार्टी के कद्दावर नेता है, बड़ी पर्सनालिटी है, मैं तारीख जानना चाह रहा हूँ। अरे आजम खान क्या है क्या नहीं है वो मैंने सवाल कर लिया, भारतीय अपना अपनी पार्टी की ओर से बताइए। अभी क्या नहीं है वो मैंने सवाल कर लिया, भारतीय अपना अपनी पार्टी की ओर से बताइए। अभी आप देखिए नंसी जी, ये जूते चप्पल बांटने का आरोप लगाया ना, उसका जवाब दीजिए ना आप तारीख अहमद लारी साहब को, उसका जवाब दीजिए ना आप तारीख अहमद लारी साहब को। क्या जी अपनी सोच पीछे मुझे आप शांत हो जाइए, जब सवाल करूंगा तब जवाब दीजिएगा। कि सपा ने आजम खान जैसे ओछे व्यक्ति के ऊपर कौन सी कार्रवाई की? चलिए, इस बीच तारिक अहमद लारी साहब और रफत फातिमा जी, और शायद देखिए ये बहुत अच्छी तस्वीर दिखती है जब आप लोग बैक कैमरा एक साथ बैठकर हंसते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऑन कैमरा चीजें जो हैं बहुत अलग तस्वीर हो जाती है। तो चलिए, आप पीछे ही सही हंसते हैं, तो चुनाव एक तरफ चल रहा है और एक तरफ लखनऊ से जो तस्वीर आई है क्या बयां करती है? एके मिश्रा जी भी हैं, उनसे जरूर समझूंगी, लेकिन ये तस्वीर जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के सामने ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि विधानसभा के सामने बाहर जाकर आत्मदाह की कोशिश की है। हमारे साथ स्टूडियो में एके मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम बारीकियों को समझा रहे हैं। एके मिश्रा जी आप कुछ तारिक अहमद तारिक साहब को लाऊं से पहले, एके मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? वो सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चलाने का प्रयास किया जाए। देखिये नैन्सी, मैं ये बोलना चाह रहा था, इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ी चीज हुई है और जो कि मुझे बड़ा प्रभावित करती है,
जिस हिसाब से गेस्ट हाउस कांड में एक अकेली महिला मायावती को, महिला है, दलित हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कुछ भी हो, 500 समाजवादी के गुंडों ने घेर के जो हालत की थी, मेरे दिल को उस दिन इतनी तसल्ली मिली ना, जब स्टेज पे पूरा ये समाजवादी का परिवार उनके पैर पकड़ रहा था और नाक रगड़ रहा था कि आप हमारी जो है हमारे साथ गठबंधन बना लीजिए। वापस आऊंगी तो बना अपने शर्तों पे। ये रहा 1000 पावर की एनजी वाला ज्ञानवर्धक कैप्सूल, ये रहा 1000 पावर की एनजी वाला ज्ञानवर्धक कैप्सूल, बोलिए साहब। विशा जी मुद्दा ही था ही नहीं, आप कहीं और ले गए इसको, उन्हें कहीं और ले गए। मैं वापस आऊंगी तारिक अहमद तारिक साहब, वापस आऊंगी। एक विशा जी साहब कहीं और ले गए, मेरा सवाल कुछ और था, वापस आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे।